आए भेज दिनेश ना भी आता आइए। तो एक बार जोरदार तालियां उन 20 करोड़ भोजपुरियों के लिए एंड फॉर आवर टीम भोजपुरी दबंग के लिए। तो एक बार वो मंच पे आए और सीसीएल के बारे में कुछ हम लोगों को प्रकाश डाले। थैंक यू सो मच श्याम सर टीम। थैंक यू और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और यही चाहते हैं हम लोग कि 5 सीजन जो हुआ उसमें हमने 3 सीजन खेला है, ये हमारे लिए चौथा है और सीसीएल के लिए छठा है। और हमारी टीम इस बार इस तैयारी में है कि 6 को फिक्स कर देना है। तो ये सीजन हम जीतने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपका साथ हो, और आपका साथ मिला तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और ज़्यादा विस्तार से मैं बताऊं इससे बेहतर होगा कि खुद हमारे कैप्टन हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी बताएंगे। मैं चाहूँगा कि भैया एक बार मंच पे आएं। बहुत दूर की सोच रखते हैं हमारे मनोज भैया और इन्होंने जो शुरुआत किया है भोजपुरी दबंग के रूप में एक टीम लेकर के पूरी दुनिया में ये बताने के लिए कि हम हर फील्ड में हैं, हर जगह अपना जलवा बिखेर सकते हैं और इनके नेतृत्व में हम लोग खेलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भैया ही आपको विस्तार रूप से बताएंगे। मनोज भैया थैंक यू वेरी मच दिनेश। और बहुत अल्प सूचना पे इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पे आ गए, आप सभी को आने के लिए धन्यवाद। और श्याम जी एंड करण विकास जी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? अच्छा इधर है ना, अच्छा ठीक है। सोहेल भाई आए तो हमें बता देना। अच्छा सोहेल खान जो हमारे भोजपुरी दबंग्स को सबसे पहले सीसीएल में उन्होंने ही खरीदा था और जो उसके बाद हम लोगों के पास आया वो मुंबई हीरोज के ओनर है और वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे। जो लोग अभी बैठ के यहाँ पे दो लोग आपसे बात कर रहे थे वो सीसीएल बोर्ड से लोग हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ जितनी आप संख्या देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं जो अभी तक हमारे भोजपुरी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ने में हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम आप सभी जर्नलिस्ट का स्वागत करते हैं यहाँ पे। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं आज दिनेश उनमें से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस स्पॉन्सरशिप बेट के अवसर पे उपस्थित हैं उनमें तो बाई तरफ जो आप देख रहे हैं सब हमारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं। और बाई तरफ बैठे हुए हैं उनमें धीरे धीरे सबका परिचय होगा और जो भोजपुरी को सीसीएल में भोजपुरी दबंग्स को खेलते हुए देखते हैं उनको अच्छी तरह पता है वो लोग कौन हैं। मैं टीम का कैप्टन हूँ, ये टीम के वाइस कैप्टन हैं दिनेश लाल यादव जी जिनको दुनिया निरहुआ के रूप में जानती है क्या है और हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं हमारी भोजपुरी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस हैं आम्रपाली दुबे हैं यहाँ पे उनका स्वागत करते हैं हम लोग, शुभि शर्मा है उनका स्वागत करते हैं, अनारा गुप्ता है उनका स्वागत करते हैं और भी कोई सुंदर सी एक्ट्रेस आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आज कोई भी आ सकता है। हमारे पास जो आज बहुत इम्पोर्टेंट लोग आए हैं उनमें से रेवांता ग्रुप से हैं अंकित और प्रदीप सहरावत, ये लोग दिल्ली से आए हैं। रेवांता अभी इसके पहले अभी जो रेसलिंग लीग हुआ उसमें मुंबई की ओनर है रेवांता और वो स्पेशली दिल्ली से चल के आज इसके लिए आए हैं।
इसके लिए एनईसी एक कंपनी है जो जिनका पूरे देश में बहुत बड़ा बिजनेस है, व्हाइट शर्ट में है अंकुर, मैं और बार बार अंकित बोल रहा हूँ अंकुर, और अंकुर बेसिकली ही इज फ्रॉम बिहार, वो मुंबई टीम के बड़े ओनर ये लोग हैं, लेकिन ये बिहार से हैं, जिनकी टीम अभी रेसलिंग लीग में जीती है, चैंपियन हुई है। और आपको जान के खुशी होगी कि इनकी रेसलिंग लीग में जो सोनी पे आता था और इस पे उन लोगों ने काफी बड़ी टीआरपी भी अर्जित की है। तो आप दोनों का स्वागत है यहाँ पे। और मारिया डे राज ये भी आए हुए हैं जी। मारिया डे मैं देख सकता हूँ कौन है? और अरे आप ही हो, आप ही लोगों का एनईसी भी है, एनईसीसी एनईसीसी एक कुछ नाम हम बोलने में गड़बड़ हो जाए तो उसको संभाल लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से ये पहली कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश रंग लाए इस आधार पे कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमें काफी सफलता यहाँ आने से पहले भी मिल चुकी है और आज हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे पास सुभाष पासी जी हैं जो भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, और उनका फाउंडेशन है जिसका पूरा नाम है अक्षर फाउंडेशन। अक्षर फाउंडेशन की तरफ से सुभाष पासी जी आज हम लोगों के इस फंक्शन में है, और वो बहुत ही बहुत कुछ अच्छा करने की और अच्छे बड़े ख्याल से यहाँ पे उपस्थित है। और सुभाष पासी जी उत्तर प्रदेश से, वो गाजीपुर जिले की एक विधानसभा सीट से एमएलए भी है। तो सुभाष पासी जी एक बार खड़े हो जाएंगे तो जी आप स्वागत करते हैं सभी लोग सुभाष पासी जी का। दीपक जी जो धनराज ग्रुप के हेड है, आप भी एक बार खड़े हो जाएंगे, तक मैंने आपका परिचय कराया था और यहाँ पे आए हैं। एक हमारे बिहार से चल के नेचर चेयर है उसके तरफ से, और शेरा ग्रुप है जो शेरा कॉमेट बनाती है उसके तरफ से, बिहार से शेरा ने पिछले साल भी हमें बैच स्पॉन्सर किया था, पल्ले पर जो स्पॉन्सरशिप थी वो शेरा के पास थी, पता नहीं आज वो चेंज होगी या रहेगी या फिर उस पर और लोग भी आ चुके हैं मुझे नहीं पता। लेकिन राजीव यहाँ पे है, राजीव आप खड़े होंगे सबको, राजीव जी जो एक लड़की है जिसने अभी उस पिछले 3-4 वर्षों से वो भोजपुरी की सनसनी बनी हुई है, एक बार है? दो साल, अच्छा मुझे लग रहा है मुझे इतना ज्यादा सुन लिया कि मैं लग रहा 3-4 साल, दो वर्षों से वो भोजपुरी फिल्मों की सनसनी है, उसने बहुत बड़े बड़े सुपरहिट दिए हैं। अमरपाली आप एक बार खड़े हो जाइए सभी लोग, मुझे अमरपाली है, अमरपाली का स्वागत है। शुभि शर्मा जो हमारे भोजपुरी फिल्मों की एक बड़ी एक्ट्रेस है, आपका बहुत स्वागत है। अनारा गुप्ता जो आप लोग जानते हैं हमारी भोजपुरी फिल्मों की एक बहुत बड़ी नाम है, एक ऐसा नाम है जिसमें मनोज तिवारी को बहुत गर्व है औरों को भी होगा। और मैं मनोज हूँ, मनोज तिवारी, मैं भी बहुत बड़ा स्टार हूँ राज्यसभा टीवी कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है मेरी नजर में, तो बाकी लोगों का परिचय धीरे धीरे होता रहेगा जो हमारे स्टार्स हैं। एक हमारे बहुत बड़े बहुत बड़ी शख्सियत भोजपुरी सिनेमा की, जिनका नाम लेते ही लगता है कि भोजपुरी सिनेमा का टीम पहुंच गया, अभय सिन्हा जी यहाँ पे उपस्थित है, आप एक बार खड़े हो सकते जी। अभय सिन्हा जी है, और अभय सिन्हा जी ने बहुत ही ताकत दी है इस बिड स्पॉन्सरशिप फंक्शन को, हम आपका स्वागत करते हैं। और एक दिल्ली से हमारे गेस्ट हैं,
वो बहुत बड़े प्रोड्यूसरों ने बहुत बड़ी फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम क्या है? मानसून। मानसून फिल्म का आपने नाम सुना होगा। उसके जो प्रोड्यूसर हैं, पूरा नाम है उनका जितेंद्र गुलाटी सर, वो यहाँ पे उपस्थित है, वो भी बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी स्वागत करते हैं जितेंद्र गुलाटी सर। हम इतना आपका परिचय करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो कर दीजिए, जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे तो अच्छा ही रहेगा जी। अभी तो सर ये झांकी है, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है, क्योंकि सीसीएल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सीसीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे एक साथ जब पार्लियामेंट बैठते हैं तो पूरा देश का व्यक्ति बैठा होता है वहां, पूरा देश बैठा होता है। 544 लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं, वो चेन्नई से लेके और त्रिवेंद्रम से लेके और पटना से लेके आसाम तक बैठे होते हैं, पंजाब से लेके हर जगह के। वैसे ही हमारा ये सीसीएल है, इस सीसीएल में साउथ के लोग भी जानते हैं कि अयाज नाम का एक लड़का है जो भोजपुरी दबंग का बहुत खतरनाक बॉलर है, और हमारे भोजपुरी के लोगों को भी पता है कि वहां विष्णु नाम का एक खिलाड़ी है। ये जो हुआ है पूरे देश को, हमने एक सीसीएल प्लेटफॉर्म पे हीरो लोग जिनके एक के पीछे कम से कम 10-15 लाख फॉलोअर होते हैं, जो हर हालत में उनकी फिल्म देखते हैं, उनके लिए वो आइडियल होता है, वो जुड़ते हैं और हम एक देश को बड़ी इंटीग्रिटी में जोड़ते हैं, उसका नाम है सीसीएल का प्लेटफॉर्म, जिसको इस बार हमने नाम दिया है 2020 कुकिंग सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, क्योंकि इस बार के स्पॉन्सर वाले पार्ले 2020 हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, बहुत ज्यादा ताली बजाएंगे उसके लिए। इस बार हम लोगों को पार्ले 2020 कुकीज सीसीएल मिला है, इसके पहले ये थोड़ा सा छोटे से स्पॉन्सर होते थे हमारे, करेक्ट ना, बट इनको अच्छा लगा सो ये आए। हमारे मैचेज जैसे आप बता रहे थे ना, ये मैचेज जितनी टीमें हैं उस रीजनल लैंग्वेज के एक चैनल पे आता है, एक मैच तीन चैनल पे आता है, बिग मैजिक गंगा है, ठीक है ना, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो बता देना, और बाकी टीमों का तो पता चल जाएगा। मेरा ये कहना है देश में हड़कंप मच गया और नेक्स्ट ईयर, लेकिन हम सेमीफाइनल नहीं जा सके, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम थोड़ा और इंप्रूव किए और सेमीफाइनल तक पहुंचे, दूसरे साल में सेमीफाइनल में पहुंचे, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम लोगों ने तीसरे साल में भैया चुनाव लड़ गए, संसद पहुंचे, और हम लोग जो है एक मैच भी नहीं जीत पाए और हम लोग वापस पवेलियन लौट गए थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने यही कहा भैया से कि इस बार आप प्रैक्टिस से लेके सारे मैचेस में आप रहेंगे तो ही हम लोग ये जीत पाएंगे, और इस बार जीतना है, हम उम्मीद करते हैं कि आप रहेंगे। नहीं, इस साल के हम लोग अभी नहीं बोलूंगा, एक बार बोला था तो सेमीफाइनल तक अटक गए थे हम लोग पहले साल में, मैंने बोल दिया था थोड़ा ज्यादा, और अभी देखिए अभी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस साल के सीसीएल में। हालांकि वो कल सीसीएल के तरफ से बड़ी प्रेस रिलीज है, उसमें सबको सब लोग आएंगे, लेकिन इस समय मुझे खुशी है कि पंजाब टीम जो नई नई आई है, आपको जान के खुशी होगी कि इस समय हमारी टीम की जो वैल्यू है वो लगभग 12.5 करोड़ है। एक टीम की वैल्यू 12.5 करोड़ पहुंच चुकी है, और इसी लमसम इसी आधार पे अभी पंजाब की टीम इन हुई है, और उसके कैप्टन यहां पे आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक टीम के कैप्टन हम लोगों के फंक्शन में आए हैं तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहता हूं। ये नाम आपका
स्वागत है, कुछ बोलना चाहते हो थे? सर मैं क्या बोलूं, सब आपने बोल दिया। मनोज जी आप इतना अच्छा, इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि बाद में जो इनके बाद बोलता है उसको, उसके पास लफ्ज बचते नहीं है कि बोलें क्या। लेकिन मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा वेलकम किया। और हमें भी जिस टीम से सबसे ज़्यादा थोड़ा लग रहा है वो भोजपुरी का लग रहा है, क्योंकि क्योंकि आप लोगों की जो, मैं प्रैक्टिस में एक दिन गया था, मैं तो ऐसे ही देखने गया था, लेकिन ये सीधा मुंह पे मारते हैं बॉल, तीन चार बॉलर हैं और बैट्समैन भी अच्छे खासे छक्के। गर्ल्स इसको सेलेक्ट करो,